चमार वर्सेस यादव। दोस्तों ये दोनों ही जाति काफी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं, तो फिर आज हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली जाति कौन सी है। दोस्तों चमार जाति भारत में कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटक शामिल है। जबकि यादव जाति पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे शहरों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों यादव जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपना नाम में यादव, सिंह, राव, प्रताप, चौधरी आदि जैसे उपनाम लगाते हैं, तो वहीं चमार जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपना नाम में रवि, सोनी, भोला और कटारिया जैसे उपनाम लगाते हैं। दोस्तों यादव जाति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, यदु से वंशज और प्यार से लोग इन्हें कृष्ण और गोपाल भी कहते हैं। जबकि चमार जाति का अर्थ है एक नीच जाति जो कि चमड़े का काम बनाती है। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में चमार जाति अन्य जातियों के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो चुकी है और वर्तमान में भारत में चमार समुदाय की अनुमानित जनसंख्या लगभग 6 करोड़ जबकि यादवों की जनसंख्या लगभग 22 करोड़।